बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन का लेक्चर है। तो जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था जो कि था द इंटेगमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी के रिलेटेड बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, उसके अलावा जूलॉजी की जितनी भी बुक्स हैं, आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम है या आपको प्रेजेंटेशन में, क्विज में, या मैंने जो आपको आउटलाइन एनिमल फार्म एंड फंक्शन की अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, आपको उस आउटलाइन में जो हमारे टॉपिक है उससे हटकर आपका कोई टॉपिक है और आप उसे समझना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज का हम अपना लेक्चर जो है वो देखते हैं। कल हमने डिस्कस किया था द इंटेगमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, और उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आज हम जो अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो है द इंटेगमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। एंड यू नो अबाउट वेरी वेल के जो प्रीवियस पढ़ा था इंटेगमेंट, तो इंटेगमेंट हमने क्या पढ़ा था, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। तो इधर भी जो बॉडी की आउटर कवरिंग है वर्टिब्रेट के अंदर, हम उसको स्किन कहते हैं। तो आपको पता है कि स्किन जो है वो एनिमल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन है और वो ग्रो करता है जैसे जैसे एक एनिमल की बॉडी जो है ग्रो करती है। तो हम इधर स्किन के बारे में देखते हैं कि वर्टिब्रेट की स्किन जो है वो कैसे की होती है। तो द इंटेगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट और स्किन, वर्टिब्रेट के अंदर इंटेगमेंट को हम क्या कह रहे होते हैं, हम स्किन कहते हैं। ये वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और ग्रो करता है जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रो करती है। स्किन की थ्री मेन लेयर्स होती है, हमारे पास डर्मिस है, हमारे पास एपिडर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस को कि एपिडर्मिस क्या होती है। तो ये स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। डर्मिस है वो प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे और ये थिकर होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो कंपोज हुई होती है। हाइपोडर्मिस की बात करें तो ये कंसिस्ट करती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और कुछ नर्व एंडिंग्स पर ये कंसिस्ट करती है, और ये स्किन को सेपरेट करती है डीपर टिश्यू से। यानी कि ये हमारे पास जो हाइपोडर्मिस है ये सेपरेट कर देती है स्किन को डीपर टिश्यू से जो है सेपरेट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किन ऑफ फिशेज। तो स्किन ऑफ फिशेज में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे स्किन ऑफ जॉलेस फिश। जॉलेस फिश की स्किन जो है वो कैसे की होती है। तो जॉलेस जो फिशेज होती हैं उनकी स्किन जो है वो थिक होती है, एपिडर्मल ग्लैंड से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम उनमें ग्लैंडुलर सेल की बात करें तो वो कुछ ग्लैंडुलर सेल सीक्रेट करते हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं उनकी क्यूटिकल को। मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली हैग फिशेज के अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं जिसको हम स्लाइम कहते हैं। वो स्लाइम उनकी पूरी बॉडी को कवर कर देती है और यही स्लाइम उनको प्रोटेक्ट करता है कहाँ से, एक्सटर्नल पैरासाइट से, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी के ऊपर स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है। वो स्लाइमी लेयर जो है उन्हें एक्सटर्नल पैरासाइट से प्रोटेक्ट करती है। हैग फिशेज को नेम दिया गया है स्लाइम ईल्स का, उनको उनकी इसी स्लाइम बॉडी की वजह से और स्लाइम मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड रखने की वजह से उनको हैग फिशेज को नेम दिया गया है स्लाइम ईल्स का। जी तो नेक्स्ट आप देखिए स्किन ऑफ जॉलेस फिशेज, ये हमारे पास जॉलेस फिशेज की डायग्राम है जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूटिकल आती है, ये हमारे पास स्मॉल म्यूकस सेल आती है, ये हमारे पास जो है वो एपिडर्मिस आ रही है, ये हमारे पास जो सेंटर में आपको लेयर नजर आ रही है ये हमारे पास डर्मिस है, और लास्ट में हमारे पास ये जो लेयर आपको मैंने शो करवाई है लाइनिंग में ये हमारे पास हाइपोडर्मिस है, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास जो है वो ग्रैन्यूल सेल्स हैं। उसके अलावा ये हमारे पास जो है वो लार्ज जो इधर बड़े बड़े पोर्शन में है वो हमारे पास लार्ज म्यूकस सेल है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है स्किन ऑफ जॉलेस फिशेज को। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज, तो उसके पास म्यूकस और सेंसरी सेल होते हैं, यानी वो म्यूकस और सेंसरी सेल पे कंटेन करती है। कुछ उसके पास स्पेशल एक है जिसको हम कहते हैं डर्टिकल्स, उनके पास डर्टिकल्स होते हैं जो कि पैरापाइट स्केल है। डर्मिस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज कंटेन स्मॉल पैरापाइट स्केल, उनकी डर्मिस यानी कि उनकी स्किन सरफेस के ऊपर डर्मिस पर कार्टिलेजिनस फिशेज के ऊपर स्मॉल पैरापाइट स्केल्स होती हैं, वो स्केल्स को उन स्केल्स को हम क्या कह रहे होते हैं डेंटिकल्स कह रहे होते हैं। उनके पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जो स्ट्रक्चर है इनका वो बिल्कुल डेंटिकल का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि वर्टिब्रेट के टीथ है। ये ग्रो करते रहते हैं थ्रू ऑफ द लाइफ, स्किन एरिया ऑल्सो इनका इंक्रीज करता है, न्यू टेंटिकल जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म मेच्योरिटी पर आ जाता है, ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाता है, फिश मेच्योर हो जाती है, तो फिर उनके जो टेंटिकल्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। न्यू टेंटिकल्स
और फॉर्म एंड लर्स कंटिन्यूसली, लेकिन मेजोरिटी से पहले पहले उनके जो है डेंटिकल जो है वो कंटिन्यूसली लॉस भी करते रहते हैं और कंटिन्यूस उनके जो है वो फॉर्म भी होते रहते हैं। जस्ट लाइक उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको वर्टिब्रेट के टीथ की, तो इसी तरह जब ह्यूमन जो है वो मेजोरिटी लेवल तक नहीं पहुँचते तो उनके टीथ जो है वो कुछ टीथ उनके जो है वो टूटते रहते हैं और उसकी जगह पर नए टीथ जो है वो आते रहते हैं जब तक कि ह्यूमन मेच्योर नहीं हो जाता। इसी तरह से जब तक फिश मेच्योर नहीं हो जाती तो उसके डेंटिकल जो है वो कंटिन्यूसली लॉस भी होते रहते हैं और बनते भी रहते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा फिश मेच्योर हो जाती है फिर उसके बाद उसके डेंटिकल्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट अबाउ द सर्फेस ऑफ द स्किन, उनके डेंटिकल जो है वो सर्फेस ऑफ द स्किन के बाहर की तरफ होते हैं। सोलरा जो है वो टेक्सचर आ रहा होता है, यानी उनकी स्किन सर्फेस जो होती है वो थोड़ी खुरदरी होती है। अगर हम इधर स्किन ऑफ कार्टिलेजिनियस स्पीशीज की डायग्राम को देखें, ये मैंने आपके सामने जो है वो डायग्राम ड्रा की है, तो ये इसकी जो है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद ये इसकी जो है वो लूज डर्मिस है। ये जो आपको जो है नज़र आ रही है, इधर जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ये इनकी लूज डर्मिस है, ये इनकी एपिडर्मिस है, ये इधर इनकी जो है वो इनेमल है, ये इनका डेंटिकल है। इनेमल और डेंटिकल के ही पोर्शन को हम क्या कह रहे होते हैं कि ये इनका जो है डेंटिकल यानी कि पैलापाइड स्केल्स हैं इनके। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इनके क्या है, डेंटिकल यानी कि पैलापाइड स्केल्स हैं। इधर इनका ये नेक्स्ट अंदर वाला जो पोर्शन है लिक्विड मटीरियल होता है यानी ये पल्प होता है, ये इनके पिगमेंट सेल्स हैं, ये इधर इनकी कॉम्पैक्ट जो है वो डर्मिस है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो कार्टिलेजिनियस स्पीशीज की जो है वो डायग्राम है। हमारे पास आती है स्किन ऑफ बोनी फिशेज, तो जो बोनी फिशेज की स्किन होती है वो किसमें कंटेन करती है, उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्केल कंपोज हुए होते हैं डर्मल बोन्स के साथ, उनके स्केल के ऊपर जो है वो थिन लेयर होती है डर्मल टिश्यूज की, वो उनकी बॉडी को कवर करते हैं बाय सुपरफिशियल एपिडर्मिस के थ्रू। उनके स्केल्स जो है वो गिरते नहीं हैं और नॉट शेड और ग्रो करते हैं एट मार्जिन एंड कवर द लोअर सरफेस, उनके मार्जिन पे उनकी बॉडी की लोअर सरफेस को कवर करते हैं और ग्रोथ लाइन जो है वो उनके स्केल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। बहुत सी बोनी फिशेज की सरफेस के ऊपर जो है उनके स्केल्स के ऊपर जो है बोनी फिशेज के स्केल्स के ऊपर जो है वो ग्रोथ लाइन प्रेजेंट होती है और उस ग्रोथ लाइन की मदद से हम उसकी एज को भी डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम उसके बोनी फिशेज के फंक्शंस की बात करें, बोनी फिशेज के फंक्शन में सबसे पहले आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो है वो फिशेज की जो स्किन होती है वो परमिएबल होती है और फंक्शन करती है एज अ गैशियस एक्सचेंज का। स्मॉलर फिशेज होती हैं उनके पास लार्जर स्किन सरफेस एरिया होता है और वो गैशियस एक्सचेंज का काम कर रही होती हैं। डर्मिस जो है उसके पास रिचली सप्लाइड होती हैं कैपिलरीज, यानी कि उनकी डर्मिस पर कैपिलरीज जो है वो रिचली अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं और वो कैपिलरीज हेल्प आउट करती हैं गैशियस एक्सचेंज में यानी कि रेस्पायरेशन में हेल्प आउट कर रही होती है। सेकेंड हमारे पास फंक्शन आता है म्यूकस ग्लैंड। एपिडर्मिस के पास म्यूकस ग्लैंड होते हैं और वो उन्हें प्रिवेंट करते हैं कुछ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से और रिड्यूस करते हैं उनकी फ्रिक्शन को जब फिश जो है वो वाटर में स्विम कर रही होती है। थर्ड हमारे पास फंक्शन आता है ग्रैनुलर ग्लैंड का। ग्रैनुलर ग्लैंड जो है वो सम फिशेज के अंदर सक्रीट करते हैं इरिटेटेड पॉइजनस पल्पलाइड को। फोर्थ फंक्शन हमारे पास आता है फोटोफोर्स का। मैनी टीनियोस जो है टीनियोस फिश जो है वो ओशन के डीप हैबिटेट में रहती हैं, उनके पास स्पेशल फोटोफोर्स होती हैं, उन फोटोफोर्स की मदद से वो क्या करती हैं अपनी स्पीशी को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, स्पीशी रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करती है और एक्ट करती है एज अ ल्योर्स यानी कि अट्रैक्टेंट्स, जिसकी वजह से वो उन्हें इट गिव वार्निंग सिग्नल। तो वो जो है क्या करता है उन्हें वार्निंग सिग्नल भी, जो उनकी एनिमी फिश होती है उसको वो वार्निंग सिग्नल भी जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हमने स्टडी की है बोनी फिशेज को। नेक्स्ट हम जो है इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये हमारे पास स्किन ऑफ बोनी फिशेज की डायग्राम है जिसमें ये हमारे पास जो है वो डर्मल स्केल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो एपिडर्मिस लेयर है, ये हमारे पास डर्मिस और ये हमारे पास हाइपोडर्मिस लेयर है। तो ये हमारा आज का जो है वो जूलॉजी का लेक्चर था जो कि हमारा था द इंटेगोमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो स्किन को डिस्कस किया, हमने जो है फिशेस को जो है वो डिस्कस किया डिटेल के साथ, हमने जो है वो आज का अपना ये लेक्चर देखा। तो आपको आज के मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा जो मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडीज के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।